राम राम बाबूजी। राम राम भैया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते कल्लू। राम राम जगत। राम राम, कैसे हो? अच्छा हूँ जी। अच्छा। राम राम जगत प्रसाद जी, शहर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो खेतों के लिए खाद और बीज लेने। देखो, मैं आखिरी बार कह देता हूँ, जब तक दहेज का बकाया 1000 रुपया नहीं दोगे, तब तक मैं लड़की को लेकर नहीं जाऊँ। देखिए जरा मेरी बात तो सुनिए। क्या झगड़ा हो रहा है भाई? देखिए ना मुखिया जी, दहेज की रकम में 1000 रुपए क्या कम हो गए? ये मेरी ब्याहता बेटी को वापस मेरे ही घर में रखने को कह रहे हैं, आप ही समझाइए ना। अब ये क्या समझाएंगे, शादी हुए 2 साल हो गए, दहेज का बकाया 1000 अभी तक नहीं दिया है, अब ये देंगे क्या? हाँ हाँ, मैं दूंगा, अगर रुपया ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो ये लो। जगत प्रसाद जी, आप जल्दबाजी मत कीजिए, इन पैसों से आप शहर खाद और बीज लेने जा रहे थे। अरे अगर खेतों में बीज ना भी पड़े तो फसल फिर भी होगी, इस साल ना सही अगले साल, लेकिन अगर इसको दहेज के पैसे न दिए तो ये मूर्ख उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। शंकर, ये लो रुपया। छी 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 छी, सारा काम मुझे को करना पड़ता है, चाय मैं बनाऊं, गोबर मैं उठाऊं, और तू वहां पटरानी की तरह बैठी सारा दिन किताब पढ़ती रहती है, सुन रही है नहीं? बेशरम, सुन ही नहीं रही है। अरे ओ महारानी की बच्ची, मैं तुझसे कह रही हूँ, तुझसे। हाँ हाँ सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। तू चाहती क्या है, क्या काम करूँ मैं? पहले अपनी इस किताब का मुंह बंद कर और जाके कुएं से पानी लेकर आ। ना बाबा, मुझसे नहीं होता, माँ से बोलो वो भर के ले आएगी। अच्छा कम से कम गोबर के उपले तो बना दे। क्या, मैं और गोबर? छी 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 छी, मुझसे ये बदबूदार काम नहीं होता। अच्छा गोबर से बदबू आती है, कल से एक काम करते हैं, जानवरों को घास की जगह जाफरान खिलाते हैं और पानी की जगह इत्र पिलाते हैं, तब गोबर से खुशबू निकलेगी, फिर बना देना खुशबूदार उपले। कैसी शक्ल बना रही है? तूने अपनी शक्ल देखी है? जैसे बंदर ने भंग पी ली हो। तेरी शक्ल होगी बंदर जैसी। तेरी शक्ल बंदर जैसी है, तू चुप कर। You shut up and get out। शुरू सुबह सुबह तुम दोनों बहनों का, अब क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, तुम्हारी बड़ी बेटी का दिमाग खराब हो गया। हाँ। शहर में 3 साल पढ़ के आई और लाई क्या, 2 अक्षर की डिग्री BA। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर का कोई काम नहीं करना चाहिए? अरे ज्योति, तू तो इसको जानती है, जितना हो सके तेरे से वो कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। जा। शांता। क्या है जी? कुछ नहीं। अरे हाँ, वो जल्दी से 1000 रुपया तो ला ला। अभी तो ले गए थे खाद और बीज के लिए। वो क्या हुआ कि वो ये वो... हाय राम, फिर किसी को दान कराए। माँ माँ माँ, देखो दीदी की बच्ची ने मुझे मारा। ये मुझे छेड़ रही है। देख बंदरिया, अगर तूने मुझे फिर से मारा ना, क्या 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 कर लेगी? तो मैं भी तुझे मारूंगी। ये सब क्या हो रहा है? देख मुझे क्या करूं, मुझे क्या क्या कर सकती हूं, मैं भी तुझे मारूंगी। माँ बोलो ना। साइलेंस 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 साइलेंस। क्या है? आकाश के ब्लैक बोर्ड पे सूरज ने अभी सवेरा लिखा नहीं और तुम लोगों ने संसार की पाठशाला में बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ज्योति, तुम जाके खास खुशबूदार चाय बना के लाओ, और झ से झगड़ा लो जानकी, तुम जाके किताब पढ़ो, जा। और जगत में प्रसाद बांटने वाले जगत प्रसाद, तुम अपनी बीवी से क्या चौंचे लड़ा रहे हो? भाई बात यह है कि ये देखिए ना मास्टर जी, इन्होंने गांव वालों की मदद करते करते 50 एकड़ जमीन 5 एकड़ कर डाली। इन्हें जरा भी ध्यान नहीं कि अपने घर में भी 2 जवान बेटियां बैठी हैं। अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो जगत प्रसाद, अब मैं जो कहता हूँ गौर से सुनो। परिवार गणित की तरह होता है हिसाब की तरह, और पति जमा घर भरने वाला, और पत्नी जरब मल्टीप्लाई करने वाली, दुगना तिगना करने वाली, और बच्चे माइनस होते हैं घाटा करने वाले। तेरी तो 2-2 बेटियां हैं, उनकी शादियां नहीं करवाएगा, प्लस वाला माइनस की हरकतें करेगा तो जिंदगी तो जीरो के नीचे आ जाएगी। अरे तू कैसा बाप है सगा, या बेटी ने तुझे गोद लिया हुआ है? हाँ मास्टर जी, ये बात इन्हें अच्छी तरह समझाइए। अरे मैं तो भूल ही गई, रामू को नाश्ता भेजना है। अरे बेटी जानकी, जरा राम बाबू को ये नाश्ता दिया। नहीं माँ, मुझे किताब पूरी करनी है, ज्योति से कहो ना वो दे आएगी। अरे चल उठ। अरे सारा काम तो वही करती है, तुझसे इतना भी नहीं किया जाता? जल्दी जाके नाश्ता दिया, उसके खेत पे जाने का वक्त हो गया। ये क्या मुसीबत है माँ? अच्छा एक बात तो बताओ, ये राम बाबू है क्या चीज? ये नाश्ता टिफिन वगैरह उसे क्यों भेजा जाता है? बताती हूँ, एक तो बेचारा अकेला रहता है, और फिर मर्द होके अपना खाना खुद पकाता है। जितने एहसान वो हम पर करता है, उसके बदले में अगर हमने कभी कभार उसे खाना भिजवाया तो कौन सा बड़ा तीर मारा? जा जल्दी जाके दिया, जा। वाह वाह वाह, क्या शुभ अवसर पर आई हो, मैं हल्की पूजा करके नारियल तोड़ने वाला था, अब तुम आ गई हो तो पूजा भी तुम करो और नारियल भी तुम तोड़ो, ताकि खेत में अनाज की जगह सोना उगने लग जाए। सोना? मगर ज्यादा सोना मत उगा लेना, दुनिया में वैसे ही अनाज की कमी है, तुम सोना उगाओगे तो लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। ये देखो माँ ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है, एक हाथ से नाश्ता करो और दूसरे से नारियल फोड़ो। हा? अरे सुनो। हा? नाश्ता तो मैं कर लूंगा, पहले अपने शुभ हाथों से नारियल तोड़ो, लो। ठीक है। अरे बस
वाह वाह वाह। इसका मतलब जानती हो? क्या? इसका मतलब जब बराबर के टुकड़े हो तो तुम मुझसे प्यार करती हो। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं, माँ ने मुझसे बहुत कहा इसीलिए मैं नाश्ता ले आई। अच्छा मैं चलती हूँ। आज बहुत भूख लगी है। अरे वाह वाह भजिए, अरे खिचड़ी, आज तो बहुत डट कर खाऊंगा। रामू, ये क्या बंदर की तरह छलांग मार कर आ गई? हाँ? अरे रामू तुम्हें नहीं मालूम दीदी कितनी भुलक्कड़ है, देखो हमेशा ऐसे ही करती है। नाश्ता तो लेकर आ गई मगर चटनी भूल गई। ठीक है मैं चटनी खा लूंगा, अब तो जाए यहाँ से। अरे दीदी ऐसे कैसे, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना खिलाने के लिए, लाओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ, देखो कितना अच्छा बना होगा। एक मिनट, पहले मैं चक्की देखूं कैसा बना है। बहुत ही मजेदार बना है। माँ ना कभी कभी नारियल की चटनी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन जब पिताजी से झगड़ा होता है ना फिर समझो खाने का सत्यानाश। वैसे खाना मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। दीदी है ना, दीदी को कुछ आता ही नहीं, सारा काम मैं ही करती हूँ। खिचड़ी देखी नहीं? काजू। ज्योति एक बात बताओ, तेरे माँ बाप तुझे कुछ खाने को देते हैं? मतलब माफ करना, आधे से ज्यादा नाश्ता तो मैं ही खा गई, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अबे खिलाने की बच्ची, अब जाती है या लगाकर तुम्हें? सब खा गई, लो एक टुकड़ा बच्चा है, चलो यही सही। रामू रामू अब क्या है, कल ना कल इससे अच्छा नाश्ता मैं ले आऊंगी। ये भी हेलो 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 ओल्ड बॉय। हेलो यंग मैन, प्रणाम। जीते रहो मेरे प्यारे पोते, कब आए? तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लेकिन दादाजी मैं पूछ सकता हूँ ये सिगरेट किस खुशी में पी जा रही? आपने पिछले दिनों खत में लिखा था कि डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने से बिल्कुल मना किया। अरे लानत भेजो इन डॉक्टरों पर, उनका तो काम ही हर चीज के लिए मना करना। बेटे ये सिगरेट दो ना। दादाजी बुजुर्गों ने कहा है कि शरीर के लिए तंदुरुस्ती, घर के लिए पत्नी और परिवार के लिए बच्चे, ये तीनों ऐसे हैं जैसे कर्ता कर्म क्रिया, इन तीनों में से एक भी चीज कम हो जाए तो वाक्य अधूरा रह जाता, और पहले में से कोई चीज कम हो जाए तो जिंदगी अधूरी रह जाती। कमन कमन क्या ख्याल है यंग मैन, एम आई करेक्ट नॉट? भाई जमाना बदल गया है, उल्टी गंगा बह रही है, पोता दादा को अकल सिखा रहा है। यू आर करेक्ट, आई एम करेक्ट ना। गुड, नाउ लेट्स से फूड, आई एम वेरी हंग्री। चलो चलो बच्चे, चलो शाबाश, चलो चलो चलो। अरे आओ जगत बाबू, कहाँ चले, खेत में तो नहीं जा रहे होगे? अरे जब राम बाबू है तो मुझे खेती बाड़ी करने की क्या जरूरत है? हर बात है, वो खेत संभाल रहा है, तुम पूरे गांव को संभाल रहे हो। भाई ये तो सच है, वैसे राम बाबू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वही शराफत, वही दया, वही सबकी सहायता का ख्याल। अरे भाई जब अपना खेत उसके हाथ में दे दिया है तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में क्यों नहीं देता? अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं आज कल ही में ये बात राम से छेड़ता हूँ। अरे बाबूजी आप हैं कहाँ, मैंने खेतों में इतनी बार हल नहीं चलाया होगा जितनी बार आपके घर के चक्कर काटे हैं। मगर क्यों क्यों किस लिए? वो खेतों के कागजात पटवारी को दिखाने हैं ना। अरे वो कागजात तो दस्तखत करके मैंने कब के रख दिए, जा घर जाके ले ले जा। हाँ और खुद ही ले जाके पटवारी को भी दे देना, क्योंकि इसको तो गाँव सेवा से फुर्सत नहीं है, इसका बच्चा ले तो रातों को भी लोगों की सेवा करता फिरे। तू जा जा। अच्छा जी, सबके सामने मेरे पोल खोल देता है। मैं क्या खोल रहा हूँ, सारी दुनिया जानती कि तू अपने लिए थोड़ी पैदा हुआ, दुनिया के लिए पैदा हुआ। तेरा नाम जगत प्रसाद की जगह जगत सेवा भंडार होना चाहिए था। चल ज्योति ठहर, पहले मुझे पूजा करने दे, तू बाद में करना। क्यों? मैं तुझसे पहले आई हूँ, मैं पहले पूजा करूंगी। मैंने तुझसे पहले जन्म लिया है इसलिए पूजा भी मुझे पहले करनी चाहिए, ठीक है? इस गांव में तुझसे पहले कई जानवरों ने जन्म लिया है, और जरूरी नहीं जो पहले पैदा हो पूजा भी उसी ने पहले करनी चाहिए। खैर तू कर ले, पहले करने से तुझे कोई कलेक्टर नहीं मिलने वाला, और बाद में करने से जैसे मुझे कोई पत्ती ही नहीं मिलने वाला। कलेक्टर ना सही, इंजीनियर तो मिल जाएगा ना, तू चुप रह। हाँ हाँ इंजीनियर जरूर मिल जाएगा, नौकरी के बहाने महीने वो शहर में रहेगा और तू घर के चूल्हे में जलती रहेगी। मुझे तो बाबा ऐसा पति चाहिए जो मेहनत करें, खेती बाड़ी करें, दो वक्त की रोटी कमा कर ले आए और दिन भर मेरी नजरों के सामने रहे। मतलब किसान? छी 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 छी, तेरे विचार हमेशा ऐसे छोटे और घटिया रहेंगे। एक किसान से शादी करके तुझे क्या सुख मिलेगा, सारा जीवन बैलों को चारा डालती रहेगी। ना बाबा मुझे तो बड़ा इंजीनियर ही चाहिए। आहा भाड़ में जाए इंजीनियर, मुझे तो किसान चाहिए, किसान महान होता है। हाँ किसान महान होता है, मेरा पति महान है। मेरा पति महान है? नहीं मेरा पति महान है। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, तुम दोनों अपने अपने पति के लिए पूजा करियो ना। ज्योति तुम बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए?
मैं नहीं बताती। अरे अच्छा जानकी, तुम बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे कैसा पति चाहिए ये मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, और उसे अपने दिल के घर में रखकर ताला भी लगा लिया है। यही तमन्ना पूरी करने के लिए तुलसी माँ से प्रार्थना कर रही हूँ।